हेलो एवरीवन वेलकम बैक क्लास नाइन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल वॉल एज वी नो दैट द सेल वॉल इज़ द एडिशनल स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ द प्लांट सेल बिकॉज इट इज़ एबसेंट इन द केस ऑफ द एनिमल सेल ओके एनिमल सेल के केस में आपका प्लांट्स जो सेल वॉल होता है वो आपका एबसेंट होता है जो सेल वॉल होता है वो मेनली किस में पाया जाता? जाता है cell, okay? जाता? आपका प्लांट सेल में पाया जाता है एंड अलॉन्ग विद द प्लांट सेल इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द बैक्टीरिया फनजाई ओके किस में पाया जाता है आपका बैक्टीरिया ऑफ फनजा में भी पाया जाता है सो वी कैन से दैट द प्रोटेक्टिव कोट आउटसाइड द प्लाज्मा मैम्ब्रेन इज नोन एज द सेल वॉल ओके तो क्या होती है आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी द प्रोटेक्टिव कोट प्रजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मैमब्रेन इज नोन एज द सेल वॉल द सेल वॉल इज वेरी थिक बट पोरस कोट क्या होता है आपका थिक होता है लेकिन कैसा होता है आपका पोरस होता है पोरस कहने का मतलब है कि बीच बीच में आपके पोरलेग स्ट्रक्चर -like प्रेजेंट रहेंगे जो क्या करेंगे आपका मटेरियल के इन ट्रांसफर में यानी कि मटेरियल जो होगा आपका उसके पास उसके पास पास इन और पास आउट में क्या करेंगे आपका हेल्प करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट सेल वॉल वॉज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय द रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक से आपको याद आ रहा होगा रॉबर्ट हुक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द सेल जिसने किसको डिस्कवर किया था आपका सेल को डिस्कवर किया था इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में ठीक है और उसी दौरान इन्होंने क्या किया था आपका सेल वॉल को भी फर्स्टली क्या किया था आपका ऑब्जर्व किया था क्योंकि उन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो आपका थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में आपकी डिस्कवर की थी और आपको पता है कि कॉर्क क्या है आपका प्लांट सेल है ऑब्वियसली अगर प्लांट सेल होगा तो क्या होगा आपका सेल वॉल क्या होगा आपका प्रेजेंट होगा तो द द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक और वी कैन से दैट द डिस्कवरी ऑफ द सेल वॉल गोज टू द रॉबर्ट हुक ओके कब किया था आपका इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में किया था सेम ईयर है आपका क्योंकि सेम टाइम में आपका डिस्कवरी हुई थी द सेल वॉल वेर इन देयर थिकनेस From ज़ीरो पॉइंट वन म्यू मीटर टू टेन म्यू मीटर ओके इन डिफरेंट सेल्स अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की तो प्लांट सेल में आपका ट्रेसचिट्स होते हैं वेसल्स होते हैं पेरन काइमेटर सेल्स होती हैं आपकी ठीक है कॉलनकाइमेटर सेल्स होती हैं डिफरेंट दिफ्रें, डिफरेंट टाइप की आपकी सेल्स होती हैं जब हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कितने तरह के टिशू होते हैं और किस किस तरह की आपकी सेल्स से मिलकर के बने होते हैं तो इनका जो साइज़ होता है वो आपका थिकनेस में वेरीज़ करता है जहाँ पर कोई जरूरत ज़्यादा होगी वहाँ पर कोई थिक होंगी और जहाँ पर कोई जरूरत कम होगी यानी कि कुछ नॉर्मल वॉक करना है तो वहाँ पर कोई इनकी थिकनेस क्या होती है आपकी पतली होती है यानी कि पतले होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग इनका जो थिकनेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है वैरिस कर जाता है एंड सेल वॉल इज़ सेक्रेटेड बाय द साइटोप्लाज्म मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल का सेक्रेशन भी आपका साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है यानी कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है आपका साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के सेक्रेशन से सेल वॉल क्या होती है आपकी फॉर्म होती है सेल वॉल आपकी फॉर्म हो रही है साइटोप्लाज्म से तो इसका अब आगे पॉइंट आता है कि आपका किससे मिल करके बनी होती है मेनली अगर हम बात करें किसकी प्लांट सेल की क्योंकि हम प्लांट और एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं सो इन द केस ऑफ द प्लांट सेल वॉल द सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज हेमी सेलुलोज पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फोर टाइप के आपके मटेरियल हैं सेलुलोज हो गया आपका हेमी सेलुलोज हो गया आपका पैक्टीन्स हो गया और आपके प्रोटीन्स हो गए सो so, ये सब आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं अब हम बात करते हैं आपका जो सेल वॉल होता है आपका ठीक है सेल वॉल के केस में क्या होता है आपका ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है ठीक है तो वट इज द प्राइमरी सेल वॉल वैन द सेल वॉल ऑफ वैन द प्लांट इज यंग अगर आपका प्लांट यंग कंडीशन में होगा देन द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल ठीक है यहाँ लिखा भी आपका द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट इज यंग प्लांट सेल इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल सिंपल है आपका जब प्लांट आपका इनिशियल स्टेज में होगा आपका ग्रोइंग स्टेज में होगा आपका यंग स्टेज में होगा तब उसकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है एज द प्लांट ग्रोज एंड बिकम मैच्योर जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रो करता है और आपका मैच्योर होता है तो उससे क्या होता है आपका एट द मैच्योरिटी वट हैपन एक और सेल वॉल का आपका फॉर्मेशन होता है जो आपका प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होती है आपकी फॉर्म होती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपकी एक क्लियर फॉर्म होती है जिसको क्या बोला जाता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल बोला जाता है तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होगी आपकी द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल एंड ऑन द मेच्यिटी द सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल ओके अब मैंने बात की थी आपकी टर्सरी सेल वॉल की तो टर्सरी सेल वॉल क्या होता है आपका इन द केस ऑफ द जिम्नोस्टॉमिक प्लांट्स उसमें क्या होता है आपका केमिकल के डिपोजिशन से आपका एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जो आपका टर्सरी सेलवॉल क्या होता है आपका कहलाता है और ये सब आपस में मिलकर के सेल वॉल बनाते हैं अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की डैट इज द मिडिल लैमिला मिडिल लैमिला इज द लेयर विच इज मेड अप ऑफ द कैल्सियम पैक्टेट यह आपका कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई एक लेयर होती है आपकी एंड दिस लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स जो आपकी सेल वॉल होती है उनके बीच में यानी कि एक प्लांट की सेल वॉल दूसरे प्लांट की सेल वॉल के बीच में क्या होती है आपकी जो मिडिल एमिला होता है वो आपका प्रेजेंट रहता है एंड दिस मिडिल एमिला ज मेड अप ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट इसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका किससे मिलकर के बना होता है आपका कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है एंड द फंक्शन ऑफ द मिडिल एमिला इज टू होल्ड और ग्लूज द नेबरिंग सेल्स और ये क्या करेगा क्योंकि दो सेल्स के बीच में ही आपका मिडिल एमिला प्रेजेंट है तो ये दोनों सेल्स को क्या करेगा आपका होल्ड करेगा एक साथ क्या करेगा आपका ग्लू करेगा उसको इकट्ठा करेगा आपका साथ में रखेगा और नेक्स्ट पॉइंट द सेल वॉल एंड द मिडिल एमिलास्ड बाई द प्लाज्मो यानी कि क्या होता है आपका जो मिडिल एमिला होता है आपका सेल वॉल होता है वो आपका पूरा कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं होता है कहीं कहीं पर को आपका क्या होता है आपका गैप होते हैं एंड दीज गैप आर नोन एज द प्लाज्मो डेस्मेटा और इनको आपका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी बोला जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मो डेस्मेटा वट हैपन सेल आपस में क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट कहने का मतलब है दे विल शेयर देयर मटेरियल टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे आपका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू क्या करेंगे अपने मटेरियल को क्या करेंगे आपका शेयर करेंगे ठीक है तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी सेल वॉल की अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ़ द सेल वॉल मेन फंक्शंस मैंने यहाँ पर को आपके मैंशन किए हैं इसके अलावा भी आपके बहुत सारे फंक्शन्स होंगे उनको मैं आपको रीड करके बता दूंगी क्या क्या होते हैं डिक्टेट कर दूंगी आप उनको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट मैंटेन्स शेप ऑफ सेल क्योंकि एज वी नो दैट इन द केस ऑफ द एनिमल्स दे हैव अ करैक्टरिस्टिक्स स्केलेटन सिस्टम विच प्रोवाइड द सेप टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक आपका प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है क्या आपका स्केलेटन सिस्टम एनिमल की बॉडी को बट इन द केस ऑफ द प्लांट्स द स्केलेटन सिस्टम इज टोटली एबसेंट क्या होता है आपका टोटली एब्सेंट होता है तो आपका एक प्रॉपर शेप कैसे मिलेगा वो कैसे आपके खड़े रह सकते हैं आपने देखा होगा प्लांट इतने बड़े होते हैं कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं है तो वो स्ट्रेट कैसे खड़े रह सकते हैं तो उसके पीछे का रीजन है आपका क्या आपका सेल्बोल क्योंकि सेल वॉल आपका हार्ड होता है ठीक है पोरस तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक और हार्ड होता है तो ये क्या करता है आपका सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है उस प्रॉपर शेप की वजह से क्या होते रहते हैं आपका ये एक स्केलेटन सिस्टम की तरह भी क्या करता है आपका फंक्शन करता है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि आपका प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी फंक्शन कर रहा है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द अटैक ऑफ द पैथोजन कैसे क्योंकि आपका ये हार्ड है तो आपका जो पैथोजन है आपके वायरस हो गया बैक्टीरिया हो गया फंजाए हो गए प्रोटोजोन्स हो गए तो वो आपका सेल में क्या नहीं कर पाएंगे आपका एंट्री नहीं कर पाएंगे और उससे क्या रहेंगे आपके प्रोटेक्टेड रहेंगे इट अलाउज मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है आपका जो सेल वॉल होता है इट इज थी स्ट्रक्चर बट इट इज़ पोरस स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका पोरस होता है तो अगर ये पोरस स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली क्या करेगा मटेरियल को आपका इन ऑन आउट होने देगा ठीक है ये तो आपकी मेन फंक्शन हो गया इसके अलावा होता है आपका इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये भी आप मैंशन कर सकते हैं लिख सकते हैं ओके एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट द सेल वॉल प्रिवेंट अन ड्यू एक्सपेंशन ऑफ द सेल वेन वाटर एंटर्स बाय द ऑस्मोसिस अब क्या होता है आपका ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है ऑसमोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द वाटर फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू वर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन क्या होगा आपका अगर हम क्या करें आपका एक स्रिंक सेल को क्या करें आपका वाटर में आपका प्लेस कर दें तो वो आपका स्वेलअप होने लग जाता है क्योंकि बाहर से पानी आपका सेल के अंदर क्या करने लग जाता है आपका एंटर करने लग जाता है और सेल स्वेलअप हो जाती है तो आपका जब वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर तो उससे क्या होगा आपका सेल में एक प्रेशर क्या होगा आपका एग्जर्ट होगा और वो प्रेशर अगर अगर आपका बढ़ता चले जाएगा तो सेल आपकी बस्ट हो सकती है तो इससे आपका क्या करता है आपका सेल वॉल उसको क्या करता है आपका प्रो आ, प्रोटेक्ट करता है उस अंडू प्रेशर को जो प्रेशर आपका आ गया है उस प्रेशर को क्या कर देगा आपका कम कर देगा ठीक है प्रिवेंट कर देगा उस अंडियू एक्सपेंशन को सेल के प्रेशर की वजह से यह आपका मटेरियल को पास एंड आउट इन एंड आउट करने की में हेल्प करता है दो आ, और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं ठीक है मैरी एंजाइमिक एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म आर नोन टू अकर इन द सेल वॉल यानी कि सेल वॉल में भी आपकी कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं आपकी क्योंकि ये एंजाइम कंटेन करता है ठीक है और क्या होता है आपका ये पोरस होता है आपका सेल वॉल तो आपका प्लाज्मो डेस्मेटा के थ्रू आपका लिंक भी रहता है और प्रोटोप्लाज्मिक क्या करता है आपका एक क्या करेगा आपका एक सिम प्लास्टिक बनाता है आपका जो प्रोटोप्लाज्म से होते हुए मटेरियल क्या होगा आपका पास आउट होगा प्रोटोप्लाज्म से वो साइटोप्लाज्म था ये प्रोटोप्लाज्मा ठीक है तो इस तरह से आपके बहुत सारे फंक्शन हो गए आपके इसके अलावा जो वॉल होती है आपकी जाइलम की वैसल्स की ट्रैच की वो क्या करती है आपका मटेरियल के मूवमेंट को भी क्या करती है आपकी अलाउ करती है तो ये आपके अदर फंक्शन हो गए इतना आपको आपने अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन फंक्शन जो है मैंने यहाँ पर को आपके लिख दिए हैं द फर्स्ट इज द मेंटेनेंस इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स प्रोटेक्ट सेल्फ फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी अलाउज मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल इसके अलावा आप इसमें जो लिख सकते हैं वो ये आपका इट वॉर्ड्स ऑफ द अटैक ऑफ द पैथोजेंस ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका एंड इट रिड्यूसिस द अंडू प्रेशर और एक्सपेंशन ऑफ द सेल वन वाटर एंटर बाय द ऑस्मोसिस इन टू द सेल तो ये आज आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है सेल वॉल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ओके